चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा कैसे करते हैं, फिर 10 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये जो 10 क्वेश्चन है ना, काफी बेसिक वाले क्वेश्चन है, जिससे जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना, काफी ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लिख लेता हूं मैं, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, देखो, अगर आपसे कोई पूछे ना कि ये डायमेंशन एनालिसिस क्या है, तो आप लोग कभी मत बोलना है कि सर ये MLT के फॉर्म में जो लिखते हैं ना, वही हमारा डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, इसका पावर को किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। जैसे इस मान लो आपका आया MLT, आया एम की पावर में 1, 2 और ये -1, ठीक है। तो इसका जो पावर है ना, 1, 2 एंड -1 इन द फॉर्म ऑफ MLT, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अब ये MLT फॉर्म जो है क्या एक्चुअली, देखो M जो है ना वो स्टैंड करता है मास, ठीक है। L जो है वो लेंथ को डिनोट करता है, और T जो है वो टाइम, ठीक है, क्लियर है। लेट से एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक है। चलो एग्जांपल तुमको मैं ना एमसीक्यू क्वेश्चन से ही करवाता हूं, तो ज्यादा मजा आएगा आप लोगों का। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द डायमेंशन एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी का पूछ रहा है। चलिए करते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलते हैं वेलोसिटी को? तो तुम लोग बोलते हो सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मेजर किस चीज से करते हैं, लेंथ टाइम को टी से, मतलब सेकेंड इज टी से, ठीक है। तो अब टी जब ऊपर जाएगा तो एल के पार में कुछ नहीं है, तो 1, टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब क्या है कि हमको MLT के फॉर्म में लिखना है, तो एम तो है नहीं यहाँ पे, तो एम की पावर में 0 कर देंगे, क्योंकि भैया एनीथिंग पावर 0 इज 1, ठीक है। एल मेरा 1 है ही, टी मेरा -1 हो गया। तो जहां पे भी आपको ये दिख रहा है उसको टिक करके आना है, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। अब क्या है ना, जनरली आप लोग MLT 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 ही देखते हो, लेकिन दो और भी ऐसे हैं जिनका अलग ही, लाइक MLT के फॉर्म में हमें नहीं लिखना होता है। तो जैसे करंट, अगर कहीं पे आपको करंट दिख जाए ना, तो वो MLT इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए अलग सा सिंबल हम यूज करेंगे A, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम लोग यूज करेंगे थीटा। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, बताऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम, बस देखो फॉर्मूला तुमको ना याद होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं मोमेंटम क्या है, चलिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन था ना, मोमेंटम पूछ रहा हूं मैं। तो मोमेंटम क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं पी से। अब मैं बोलूंगा मोमेंटम क्या होता है, तुम बोलोगे सर मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो मास के लिए क्या है, एम, ठीक है। वेलोसिटी के लिए अभी हम लोगों ने देखा था सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो मास के लिए तो एम लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट किससे होगा मेजर, एल से, टी के लिए टाइम। तो अब इसको लिख देंगे एम के पार में कुछ नहीं तो 1, एल के पार में कुछ नहीं तो 1, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। जहां पे भी आपको ये ऑप्शन दिख रहा है आपको टिक कर देना है, ठीक है। देखो अभी मैं तुमको ना एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए मैं इतने सारे स्टेप्स कर रहा हूँ। अदरवाइज वेलोसिटी का, फोर्स का, कम से कम फोर्स का तो आपको लर्न ही होना चाहिए, क्योंकि फोर्स काफी काफी ज्यादा चीजों में यूज होता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको पुट करना है, ऐसा नहीं फोर्स के लिए पहले आप निकाल रहे हो, फिर फोर्स का वहां पे डाल रहे हो, फिर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो काफी ज्यादा टाइम लेगा, उतना टाइम होगा नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशन ऑफ फोर्स, देखो फोर्स की बात कर रहे थे, क्वेश्चन आई भी गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यही पे कर लेते हैं। फोर्स का क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए, मास इनटू
एक्सलरेशन, ठीक है। तो अब मास के लिए तो मेरा एम हो गया, ठीक है। अब एक्सलरेशन के लिए क्या होगा जी? तो एक्सलरेशन के लिए अलग से आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक्सलरेशन के लिए क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, है ना। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो अभी हम लोगों ने कर दिया है, एल टी, और नीचे क्या है, टी के लिए टी होगा, क्लियर है। तो टी नीचे चला जाएगा, तो एल टी इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, एम तो है नहीं, तो एम के पार में जीरो लग दिया, एल के पार में कुछ नहीं तो वन, और टी के पार में दोनों देखो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। जब ये पावर ऐड होगा तो चलो एक स्टेप में यहाँ पे स्किप कर दिया, टी स्क्वायर लिखो, ठीक है ना। अरे भाई टी के पार में वन है इंटू टी के पार में वन है, तो बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाता ना, वन वन टू, ठीक है। तो वही टी के पार में टू हो गया, तो ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टू। तो ये क्या हो गया एक्सप्रेशन का, तो लिख दो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, एम जीरो इंटू एल वन इंटू एल माइनस टू, ठीक है। तो ये दो बेस सेम है, पावर वन है, वन प्लस जीरो वन ही होता भैया, तो एम वन हो गया, एल वन हो गया, और यहाँ पे टी माइनस टू था ना, टी टी माइनस टू, ठीक है। जहां पे भी आपको ये ऑप्शन दिख रहा है टिक करके आइएगा, है ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज, चलिए वर्क का करना पड़ेगा हमें, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा था, फोर्स का क्या फाइंड आउट कर रखा था, एम वन एल वन टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट का भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है, एल अपॉन टी, यही ना था, देखो। अच्छा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ तो एल होगा ना, ये वेलोसिटी का फाइंड आउट कर रखा था, एल अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ एल होगा, टी क्यों होगा भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एम वन है, एल इसके पार में वन, इसके पार में वन, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा तो एल टू हो जाएगा, टी माइनस टू, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे भी ऑप्शन दिख रहा है आपको, टिक करके आया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या रहा है, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट एंड वर्क का यूनिट, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम। अगर यूनिट सेम हुआ ना तो आपका डायमेंशन भी सेम ही होगा, तो इसका भी ऑप्शन क्या टिक करके आना है आपको, एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू, कौन सा ऑप्शन देख रहा है, एम वन एल टू टी माइनस टू। देखो दोनों का, फोर्थ का ही पहला ऑप्शन, फिफ्थ का भी पहला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों का वर्क एंड एनर्जी का, दोनों का यूनिट सेम होता है, यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम होगा, याद रखिएगा। चलो ये तो वैसे ही हो गया। सिक्स क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन तो सेम ही आंसर होगा, ठीक है, सेम लिख देता हूं मैं, सेम होगा। चलिए सिक्स क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एम इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एम के लिए तो हमारे पास एम आ गया, स्मॉल एम लिख, ठीक है, तो ये कैपिटल एम आ गया एम के लिए, ठीक है। अब डी के लिए क्या आएगा जी, डी के लिए हमारा क्या आएगा, एल, एल के पार में टू, ठीक, यहाँ पे टी है नहीं, तो एम वन एल टू टी जीरो, ये हो गया आपका डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी बहुत इजी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका सरफेस टेंशन, चलिए सेवेंथ यहीं पे कर देते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। टी इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, अभी एफ का हम लोग निकाल चुके हैं, एम वन एल वन टी माइनस टू, और एल को तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाना ही नहीं, यही काट दो क्या, ठीक है। तो एम वन एल कुछ नहीं है तो जीरो, टी माइनस टू, तो जहां पे भी आपको ये दिख रहा है टिक करके आ जाइएगा, यू विल गेट द आंसर। चलिए सेवेंथ हो गया,
क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट कह रहा था डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का बोला डायमेंशन निकालने के लिए। चलिए ये आप लोग रोटेशनल मोशन जब करेंगे तब ये सब टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं रिवीजन कर रहे हैं ये वीडियो देख करके, तो उन लोगों के लिए तो कोई परेशानी है ही नहीं। इनका क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का भी हम लोगों ने देख रहा था एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और डिस्टेंस को तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका पावर वन, इसका पावर वन, तो एम वन एल का बेस सेम पावर एड हो जाएगा, एल टू हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, ये विल गेट द सोल मार्क्स, ठीक है। चलिए नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला आपका क्या है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। नाइन्थ में स्ट्रेस है, टेंथ वाले में स्ट्रेन है, ठीक है, तो दोनों एक ही साथ कर लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस का क्या होगा, एफ अपॉन ए, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, एफ के लिए हम लोगों ने अभी कर रखा है एम वन एल वन टी माइनस टू, और ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एम वन एल ऊपर जाएगा तो वन माइनस टू तो माइनस वन हो गया, ठीक, और टी माइनस टू तो ऑलरेडी है यार, क्लियर है। अब देखिए टेंथ वाला था स्ट्रेन, अब देखिए स्ट्रेन का क्या होता है फॉर्मूला, डेल एल अपॉन एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, ये जो नीचे एल है ना ये ओरिजिनल लेंथ है और ऊपर क्या है चेंज इन लेंथ, तो भैया दोनों का यूनिट नापेंगे किसे भैया, लेंथ से ही तो नापेंगे, है ना, तो दोनों के लिए एल एल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो यहाँ पे एम भी जीरो है एल भी जीरो है और टी भी जीरो है, तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब तुम बोलोगे सर क्या सिर्फ स्ट्रेन ही है, नहीं और भी चीजें हैं जिसका डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस का मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का मेजर करने वाला चीज अगर सेम होता है तो उसी को बोलते हैं डायमेंशन लेस। अब बोलोगे सर कैसे, तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, स्टार मार्क करके बता दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इस ये भी डायमेंशन लेस है क्योंकि इसका होता है वी वन अपॉन वी टू, क्लियर है। अरे भैया वेलोसिटी जो है आपका मीडियम वन में और वी टू का मतलब मीडियम टू में, लेकिन मेजर तो सेम ही चीज से करेंगे ना जी, तो जब सेम ही चीज से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस हो जाएगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एम भी जीरो एल भी जीरो और टी भी जीरो। तो जब भी हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मेजर करने वाला चीज अगर सेम हमें मिल गया तो उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन लेस, ठीक है। अब बात आती है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एम एल टी ये सब कुछ मतलब ये तो है ही हमारा बेसिक सचीज, बट करंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ए से रिप्रेजेंट करेंगे और टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दो वाला जो क्वेश्चन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन है और भी अगर मतलब आपको मतलब मुझे अगर दिखेगा तो मैं क्या करूंगा उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और आपके एग्जाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये करेंट टेम्परेचर वाला एकदम कंफर्म है कि मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और जरूर बताऊंगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।